साहब की आडवाणी जी को आमंत्रित करूं, सब लोग जोरदार नारा लगाएंगे, एनडीए एकता, एनडीए एकता, एनडीए एकता। लालकृष्ण आडवाणी जी जो कि एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हमें संबोधित करेंगे। मेरा अनुरोध है कि हम कत्ल ध्वनि से उनका स्वागत करें और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को। एक जोरदार नारा आडवाणी जी से पहले, तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, लालकृष्ण आडवाणी। हमारे नेताओं ने इस बात का उल्लेख किया है कि रामलीला मैदान की आज की सभा एक संघर्ष का आरंभ है। महासंग्राम हमने जो शुरू किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जो संसद के भीतर पूरा शीतकालीन सत्र चलता रहा उसको संसद से सड़क तक ले जाना, पार्लियामेंट से पब्लिक और पंचायतों तक ले जाना, यह निर्णय करके एनडीए के लोग सब यहां एकत्र हुए हैं और आज दिल्लीवासी यहां पर आए हैं। पहले तो मैं उसी की घोषणा करूंगा कि इस प्रकार की रैलीज कहां कहां कब कब होगी। तो आने वाले दो महीने में जब तक बजट सत्र आरंभ नहीं होता तब तक हम कहां कहां जाएंगे इसका मैं उल्लेख करूंगा। अधिकांश तारीखें तय हुई हैं, लेकिन कुछ तारीखें उन स्थानों पर अवलंबित हैं तो उनको कब सुविधा है। इसके बाद की सभा 9 जनवरी को गुवाहाटी में होगी एनडीए की, और जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान आज शुरू हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आसाम के उस प्रदेश में हम सबसे पहले जा रहे हैं और एनडीए की सभी पार्टियां वहां पर उसमें भाग लेंगी। उसके बाद एक बहुत विराट सभा, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम संसद से बाहर ले जाने की बात करते थे तो सबसे पहले टेलीफोन मेरे पास उद्धव जी का मुंबई से आया। उन्होंने कहा आप चाहें तो हमारे यहां शुरू करिए, दिल्ली की बजाय हमारे यहां से शुरू करिए। लेकिन सबकी राय यह बनी यहां पर कि पहली सभा संसद के तुरंत बाद दिल्ली में ही होनी चाहिए। एनडीए के सब लोग संसद में हैं, इसलिए पहले यहां पर की जाए और उसके बाद उनको जो भी और तारीख अच्छी लगे वहां करें। मुंबई ने हमको सूचना दी है कि वहां की सभा 16 जनवरी को होगी, वहां के शिवाजी पार्क मैदान में वो जैसी सभा होती है वैसे ही होगी, महान विराट भव्य। और निश्चित रूप से मुंबई की जो सभा होगी वह एक बार फिर से नई दिल्ली को हिला देगी। उसके बाद उड़ीसा में भुवनेश्वर में 17 जनवरी को एनडीए की सभा होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद जयपुर में 19 जनवरी को सभा होगी और 21 जनवरी को चेन्नई में हम सभा करेंगे, 5 फरवरी को कानपुर में हम सभा करेंगे, 6 फरवरी को हरियाणा में रोहतक में हम सभा करेंगे। ये तो सभाओं की तारीखें निश्चित हो गई, लेकिन जहां निश्चित नहीं हुई है ऐसे स्थान हैं हैदराबाद, भोपाल, अहमदाबाद,
लुधियाना, इनमें उन्होंने कहा है कि वो जल्दी तारीखें तय करके सूचना देंगे। लेकिन मैं यहां के उपस्थित देश नागरिकों के माध्यम से सारे देश को कहना चाहता हूं कि ये तो बड़े बड़े नगरों की सभाएं हैं, लेकिन फरवरी का पहला सप्ताह हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी अन्य एनडीए की जितनी पार्टियां हैं वे जिला केंद्रों में, तालुका केंद्रों में, तहसील केंद्रों में और गांव में जाकर के और भ्रष्टाचार के खिलाफ सभाएं करें। सभी पार्टियां करेंगी, उसमें मुझे विश्वास है कि हम काफी दूर दूर तक गांव तक पहुंच जाएंगे। मैंने ये बात कह दी कि यह आरंभ है और यह महासंग्राम गांव तक जाएगा। मैं सुन रहा था सब लोगों के भाषण और मुझे स्वयं को लगा कि भ्रष्टाचार किस प्रकार का है और कितना भयंकर है। और हमारी यह जो मांग है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वह कितनी उचित है। जितनी मात्रा में अरुण जी ने आरंभ करके और आखिर में आकर के सुषमा जी और शरद यादव ने उसको दिल्ली वासियों के सामने रखा है, मुझे उस विषय पर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात करूंगा, एक तो कहूंगा अपने कांग्रेसी मित्रों से कि आप हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग के बारे में जो कुछ भी कह चुके हो, मैं चाहूंगा कि आपके यहां पर एक बहुत पुराने ऑफिशियल है, अधिकारी है, भारत सरकार में रहे हैं, अनेक पदों पर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है कि वो श्रीमती गांधी के निजी सहायक रहे, जिनका नाम है पीसी अलेक्जेंडर, और उनसे हम भी परिचित हैं, हमारे शिवसेना के मित्र भी परिचित हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी सफलता के साथ, योग्यता से के साथ दो टर्म वो राज्यपाल रहे। आज के एशियन एज में जो अखबार पढ़ते हैं और इन विषयों के बारे में रुचि लेते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हमारी जो मांग है उसका औचित्य, उसकी वैधता, उसके बारे में जितने प्रभावी ढंग से आज पीसी अलेक्जेंडर ने पत्र लिखा है, लेख लिखा है, मैं चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र भी उसको पढ़ ले जरा। उस लेख का नाम उन्होंने रखा है कलेक्टिव एमनेस्टी, कलेक्टिव एमनेस्टी नहीं एमनेस्टी एमनेसिया, कलेक्टिव एमनेसिया। विस्मृति होती है एक व्यक्ति को, और अगर सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी को और केंद्र की सरकार को विस्मृति हो जाए तो उसको कहते हैं कि सामूहिक विस्मृति, कलेक्टिव एमनेसिया। आपको इतनी भी बात याद नहीं रखी कि इस प्रकार की स्थिति में कोई भी प्रधानमंत्री हो तो दो काम कर सकता है, या तो कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उनसे पूछे कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ राजा ने किया है उस राजा के निर्णय पर लॉ मिनिस्ट्री ने आपत्ति की है, उस राजा के निर्णय पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपत्ति की है, तो ऐसी सूरत में राजा का निर्णय जो है वो कोई सरकार का निर्णय नहीं हो सकता। या तो मैं उसको रद्द कर दूं और मैं कहूं कि ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं उन सारी पत्रों में नहीं जाता हूं कि जब राजा ने पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके भेजा कि मैंने सोचा है कि इस ढंग से स्पेक्ट्रम का वितरण किया जाए, तो तुरंत प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ठीक नहीं है, और उन्होंने उस पत्र में उसी दिन जवाब दिया, जवाब में लिखा कि मैं चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंट ढंग से होना चाहिए, ऑप्शन के ढंग से होना चाहिए। और आपको पता है
मंत्री ने बात किया राजा ने और आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए उसने कहा कि मैंने जो कुछ किया है वो ट्रांसपेरेंट है और प्रधानमंत्री ने ये न कह करके कि मैंने आपको जो कहा था वो क्यों नहीं किया आपने, उन्होंने कहा ठीक है आपका पत्र मिला, एक्नॉलेज किया और एक प्रकार से एक्नॉलेज करते यह पत्र उन्होंने स्वीकृति दे दी कि अच्छी बात है करो ऐसे ही करो। मैं उन सारे डिटेल्स में नहीं जाता हूं। उस समय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी गलती की जब उन्होंने केवल मात्र पत्र स्वीकार करके भेज दिया, एक्नॉलेज करके भेज दिया। शायद इसी कारण सुप्रीम कोर्ट तक ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री से एफिडेविट लिया, हलफनामा लिया कि यह कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री को एफिडेविट नहीं देना पड़ा है और इसीलिए मुझे आपके सामने एक बात कहनी पड़ रही है जो कि मैंने कहीं नहीं कही, आज आपके सामने कहता हूं। मैंने एक मंत्रिमंडल के सदस्य से, वरिष्ठ सदस्य, उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमको तो दो तीन बार पता लगा कि नहीं, अब तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग विपक्ष की स्वीकार होने वाली है और कल तो हमको पता लगा कि स्वीकार हो ही गई, निर्णय हो गया है और इसी कारण एक औपचारिक रूप से बैठक आज होगी, शाम को 5 बजे होगी या किसी समय होगी, ये भी पता लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने स्वयं ने प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और तो उन्होंने कहा फिर ये बैठक बुला ली जाए, उन्होंने कहा हां बुला ली जाए और निर्णय हो गया कि अमुक समय पर सभी मंत्रियों की बैठक होगी और हम लोग अपेक्षा करते थे कि निर्णय हो जाएगा। उस मंत्री ने मुझे कहा कि मैं भी अपेक्षा करता था कि अब हो जाएगा लेकिन क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता, मैं कह नहीं सकता हूं। आज यह सभा हो रही है जो कि एक प्रकार से देश भर में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक प्रकार से अभियान का आरंभ है और इसीलिए मैं और कोई बात न कहकर के व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिसके बारे में मैंने 2009 के पूरे लोकसभा चुनाव में लगातार ये कहा कि मेरी उनसे शिकायत सबसे बड़ी ये है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वे प्रधानमंत्री के अधिकारों का जो संविधान ने उनको दिया है, जो देश की जनता ने उनको दिया है, उसका उपयोग न करके पूरी देर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इस विषय में 10 जनपद क्या कहता है। यही मेरा सबसे बड़ा आरोप था उनके ऊपर, जिसके कारण कुछ मेरे मित्रों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, भले हैं, ईमानदार हैं, उनको ये कमजोर प्रधानमंत्री करके प्रस्तुत करना ये कुछ ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का पद कमजोर नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद के ताकत को पहचान करके मैं आप सबकी ओर से अपील करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से कि हिंदुस्तान के यह जनता या आम आदमी या एनडीए के सब नेता वे तो चाहेंगे कि भ्रष्टाचार सब जगह समाप्त हो, हर प्रकार का भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन आज जो इतना संघर्ष शुरू हुआ है उसका एक छोटा कारण है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग स्वीकार नहीं की गई, नहीं तो शायद ये नहीं होता। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो एनडीए लड़ता लेकिन ये जो अभियान शुरू हो रहा है उसका एक ही कारण है और उस कारण को मिटाने का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास आज भी है प्रधानमंत्री की हैसियत से। इसीलिए मैं उनसे आखिरी अनुरोध करता हूं कि हमारा अभियान आगे चले और जिस अभियान में स्वाभाविक रूप से पूरा का पूरा केंद्र बिंदु उस हमले का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होंगे, कांग्रेस पार्टी और
ये यूपीए सरकार वो तो होगी ही, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी होंगे, उनके पास पूरा अधिकार है कि इस स्टेज पर भी ये कहें कि मैं जनता की इच्छा को देख करके, विपक्ष की इच्छा को पहचान करके, उसका आदर करते हुए, और क्योंकि मैं स्वयं कह चुका हूं कि मुझे मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, मैं पीएससी के पास जाने को तैयार हूं, तो मुझे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास क्यों नहीं जाऊंगा, मैं उसके पास भी जाने को तैयार हूं, और अपने बाकी सब साथियों को कह दें कि आप अब तक मुख्य कारण यही बताते थे लोगों को कि हम नहीं चाहते कि देश का प्रधानमंत्री जाकर के केपीसी के सामने प्रस्तुत हो। जब मैंने स्वयं ने कह दिया है तो मैं इनकार क्यों करूंगा। आपका अधिकार है कि आप विपक्ष की और जनता की और एनडीए की इस मांग को मानते हुए जेपीसी की घोषणा करें, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये अपील करता हुआ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उससे पहले इतना कहूंगा कि 1947 में भारत आजाद हुआ, वह वर्ष माना जाता है भारत की स्वतंत्रता का वर्ष। 1950 में भारत का संविधान बना, वह माना जाता है संविधान का वर्ष। 1975 में देश पर इमरजेंसी लगी, वह माना जाता है इमरजेंसी का वर्ष। यह 2010 जो 10 दिन के अंदर यह वर्ष समाप्त होगा, साधारणतः माना जाएगा कि यह घोटालों का वर्ष था। दिस वॉज द ईयर ऑफ स्टिंकिंग स्कैंड्स, बदबूदार घोटाले। मैं चाहता हूं कि आपके इस निर्णय से वह टल जाए, वो न हो जाए, ये न माना जाए कि दिस वॉज द ईयर ऑफ स्कैम्स, और इस दृष्टि से इसको बदलने की किसी में ताकत है तो आज भी देश के प्रधानमंत्री को है। उनको सबकी ओर से, देश की ओर से, ईमानदार शासन की ओर से उनसे अपील करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमारी इच्छा को आप स्वीकार करें और उसके सामने आकर के जो आपको कहना हो कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।